कलयुग में जो है वो कहते हैं कलि का प्रभाव बढ़ेगा, पाप आपका बढ़ेगा, तो इस समय में भगवत प्राप्ति कैसे करें? या कि भगवान के नाम के लिए कोई व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णयो अभ्यस्तु भावग्राही जनार्दन। भगवान आपके भावों को ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे भयंकर कर्म किए थे कि आप राम शब्द बोलो तो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। आज के समाज में देखे ना, जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो धर्म की ही लड़ाई है। हाँ, ये जैसे मंत्र हमने बताया कलयुग का महामंत्र है, तो ये मन क्या है? इंद्रियों का राजा, मन राजा है। तो मन को नियंत्रण कैसे करें? जैसे बोला हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज हम यहाँ पर मिलने जा रहे हैं विजय भट्ट जी से, जहाँ पर हम बात करेंगे सनातन धर्म की, बात करेंगे जो ये कलयुग है इसमें जो है वो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे विजय भट्ट जी से। भट्ट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। तो विजय जी, आपने जैसे अभी हमें बताया कि जो कलयुग है, ठीक है, जैसे हमारे जो हम चार युगों के बारे में जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो कलयुग में जो है वो कहते हैं कलि का प्रभाव बढ़ेगा, पाप आपका बढ़ेगा, तो इस समय में भगवान प्राप्ति कैसे करें या भगवत प्राप्ति कैसे करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। देखिए कलयुग में होने को हम अगर और युगों से इसको कंपेयर करें तो और युगों की भांति ये युग उतना सहज नहीं है। इसमें कलि का प्रभाव बहुत देखा जा रहा है और अभी तो कलि प्रारंभ भी हुआ है, उसमें ही इतना इसका प्रभाव देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम और युगों से इसकी तुलना करें भगवत प्राप्ति के विषय में, तो इस युग में भगवान को प्राप्त करने का बहुत ही सहज उपाय है। अच्छा, जैसे हम सतयुग में देखते थे, सतयुग में व्यक्ति की आयु बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ। और वो तप के बल से भगवान को प्राप्त कर लेता था। लेकिन कलयुग में ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि आयु बहुत क्षणभंगुर है। बिल्कुल, 60-70 आयु साल तो बहुत अच्छी है, अच्छी एज है, उससे पहले ही आदमी कब निकल जाए पता नहीं। तो इसमें हम भगवान को तप के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आया आपका त्रेता युग। त्रेता में क्या होता था, यज्ञों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर दिया जाता था। यज्ञों में आहुति देते थे, ब्राह्मण लोग शुद्ध होते थे, मंत्रों में उनकी इतनी पकड़ होती थी, इतने सिद्ध होते थे कि वो जो यज्ञों में जो अग्नि प्रभावित करते थे वो अपने मंत्रों के द्वारा ही कर लेते थे। और सामग्रियां पवित्र होती थी, जैसे घी इत्यादि, संविधा इत्यादि। अब कलयुग में ये भी पवित्र नहीं है। आजकल 250 रुपये किलो घी मिलता है। 250 रुपये किलो घी की वैल्यू क्या है? वो तो प्योर है ही नहीं। जबकि 2000-2500 रुपये किलो से कम का घी अगर प्योर देखा जाए तो मिलेगा नहीं। अच्छा। और ऊपर से ब्राह्मण भी उतने शुद्ध नहीं रहे जो यज्ञों में आहुति अच्छे से दे सके, मंत्रों का उच्चारण उतना अच्छा नहीं रहा। तो हम इस कलयुग में यज्ञ के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आया आपका द्वापर युग। द्वापर में क्या होता था, अर्चन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करते थे। भगवान के जो विग्रह होते थे उसमें उनकी सेवा के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन कलयुग में वो भी संभव नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता था कि शौच अशौच का विचार होता है, मंत्रों की शुद्धि होती है, आसन की शुद्धि, घंटी की शुद्धि, फूलों की शुद्धि, इतने मंत्र होते हैं। तो कलयुग में तो भैया समय ही नहीं है व्यक्ति के पास, तो करे क्या भगवत प्राप्ति इस कलयुग में कैसे करे? तो शास्त्रों में बताया गया कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का बहुत सहज उपाय है भाई। क्या उपाय है? हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। देखो आप हरिनाम करो, और हरिनाम एक ऐसी चीज़ है, भगवान का नाम करो। भगवान के नाम करने के लिए आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे यज्ञ के लिए आपको अच्छा स्थान चाहिए होगा। हाँ। हरिनाम के नाम के लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं, कहीं पे भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप कर सकते हो कहीं भी भगवान का नाम। और जैसा कि मैंने नाम आपको बताया कि इस कलयुग में भगवान ने एक महामंत्र दिया। हाँ। जो कि आप सब लोग जानते भी हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है, भगवान ने इसको शास्त्रों में प्रकाशित किया। और स्थान का भी कोई विचार नहीं है, स्थान का भी कोई विचार, कहीं भी आप इसको उठ बैठ के कहीं भी कर सकते हो। दूसरा, कोई पात्र का भी विचार नहीं है। अच्छा। पात्र का मतलब जैसे यज्ञ लोग कौन कर सकते, ब्राह्मण ही कर सकते हैं, लेकिन हरे नाम कोई भी कर सकता है। जैसे अगर वो चंडाल युग में भी पैदा हुआ है। अच्छा। वो भी नाम कर सकता है। हाँ। वो भी नाम, चंडाल मतलब जो आपका कुत्ते का मांस खाता है, वो भी नाम कर सकता है, उसमें भी कोई विचार नहीं है। तीसरा क्या कहते हैं, आपका पात्र हो गया, स्थान हो गया, और काल का, इसमें काल का भी कोई विचार नहीं है। अच्छा। जैसे हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ग्रहण में करने योग्य नहीं होती। हाँ। नहीं कर सकते काल में, हम नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, आप यज्ञ थोड़ी कर सकते हो ग्रहण हो, लेकिन नाम का ऐसा है, नाम आप कोई भी काल में कर सकते हो, ग्रहण हो कुछ भी हो, तो अच्छा। नाम का ऐसा प्रभाव है। तो इतना सहज भगवान ने इस कलयुग में अपना नाम दे दिया, जो कि स्वयं भगवान खुद ही नाम के रूप में प्रकट हुए हैं।
नाम दे दिया और नाम करो, और कोई भी व्यक्ति ना स्थान का विचार, ना पात्र का विचार, ना क्या कहते हैं जगह का विचार, कोई विचार नहीं, भगवान की प्राप्ति इतनी सहज बना दी। अच्छा, कितनी बार करना चाहिए? जनरली ये कहा जाता है ना कि 108 बार जो आपकी माला होती है 108 बार जपनी चाहिए। हाँ। तो कुछ मिनिमम या मैक्सिमम का कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? देखो, भगवान के नाम की तो इतनी महिमा बताई गई कि बोला गया एक श्लोक के माध्यम से, मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अहो बत स्वपचो अतो गर्यान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि अगर किसी की जिह्वा के अग्रभाग में भी भगवान का नाम उदित हो गया, अग्रभाग में मतलब अग्रभाग मतलब आगे अग्रभाग में भी भगवान का नाम उदित हो गया, तेपुस तपस्ते जुहु सुष्णुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम ग्रणंती ये थे, उसने सारे तप कर लिए, उसने अच्छा। सारे तीर्थ स्थान कर लिए, उसने सारे पुण्य कर लिए, नाम की इतनी महिमा बताई। अच्छा। नाम की और महिमा बताई, क्या बताई कि अगर किसी ने हंसीपूर्वक भगवान का नाम ले लिया, त्रुटिपूर्वक भगवान का नाम ले लिया, त्रुटिपूर्वक हाँ। मतलब अब जैसे हम यज्ञों में आहुति देते हैं उसमें मंत्रों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान के नाम में ये कोई विचार नहीं है। अब जैसे हम देखते हैं आजकल हरे कृष्ण महामंत्र विदेशों में कितना फैल चुका है, बंगाली लोग इसको करते हैं, बंगाल में इतना फैलता है, तो वहाँ पर क्या है, भाषा का अंतर है, विदेशी लोग इस मंत्र को उतना अच्छे से नहीं बोल पाते, वो हरे कृष्ण को किन्ना बोलते हैं, हरे किन्ना ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्णु बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि भगवान के नाम के लिए कोई व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। और भगवान क्या है, भगवान बोला कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णु उभयस्तु भावग्राही जनार्दन, भगवान आपके भावों को ग्रहण करते हैं भैया, वो आपका ये नहीं देखेंगे कि आपकी व्याकरण में कितनी पकड़ है, आप कितने मेधावी हो, ये तो वो कुछ ये चीज़ नहीं देखेंगे आके, आपको बुद्धि कितनी है, लेकिन हर और चीज़ में आप देख लेना, तप में देख लेना, यज्ञ में देख लेना, सब चीज़ में इस चीज़ का विचार होता है, लेकिन भगवान के नाम लेने में कोई चीज़ का विचार नहीं। बिल्कुल, कर्मकांड यज्ञ में तो बिल्कुल नियम होते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर वो जो आप मंत्र जप रहे हो अगर उसमें थोड़ा सा गलती हो गई तो वो मंत्र कभी कभी उल्टा भी प्रभाव करता है, लेकिन भगवान के नाम में ऐसा कोई ठीक है। तो विजय जी, यहाँ पे मुझे एक ये पूछना है, जैसे कहा जाता है ना जो मंत्र सिद्धि है या जो आपको मंत्र दिया जाता है वो आपके गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। बिल्कुल। तो जैसे आप यहाँ पे बता रहे जो हरे कृष्ण 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 हरे वाला है, इसको कोई भी कह सकता है या आपने गुरु से ही इसकी दीक्षा लेनी पड़ेगी? नहीं, ये महामंत्र ऐसा है, ये जीव मात्र के लिए है। देखिए, कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो आपको दीक्षा के बाद दिए जाते हैं, जब गुरु मंत्र होता है वो मंत्र क्या होते हैं, गोपनीय मंत्र होते हैं, लेकिन ये मंत्र बताया गया कि ये मंत्र कलयुग का महामंत्र है, जो महाप्रभु ने भी, आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, जब भगवान ने इस नाम का वितरण किया बंगाल साइड में, झारखंड साइड में, तो वहाँ के बताते हैं कि वहाँ के जंगलों में जो पशु लोग थे, हाथी हो गया, सांप हो गया, हिरण हो गया, वो भी इस नाम को सुन करके नाचने लगे। तो इसमें अच्छा। मैंने बताया, हाँ, वो भी इस नाम को सुन करके नाचने लगे। तो ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो कि गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, ये ऐसा मंत्र नहीं है, ये भगवान के द्वारा इस कलयुग का उपाय बताया गया कि कैसे मनुष्यों की सदगति हो सकती है, कैसे मनुष्य लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया ना, इस मंत्र में इतना सहज है कि इसमें कोई विचार नहीं, स्थान काल पात्र का कोई विचार नहीं। ठीक है, अब जैसे आज का अगर हम जीवन की बात करें तो बहुत आपाधापी है, सुबह उठने से लेके रात तक चाहे अपने कामों में कहें हर कोई बिजी है। हाँ। वहाँ पे भगवान का नाम लेने के लिए ना 5 मिनट भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हाँ। ये भी लगता है कि 5 मिनट कैसे निकाले जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहोगे कि कैसे वो हम समय निकालें, या उससे पहले आप थोड़ा सा ये बताना चाहोगे कि जो नाम जप का प्रभाव है उसके क्या अच्छे प्रभाव लोगों के जीवन में देखने को मिले हैं? बिल्कुल, देखिए कलयुग में तो अल्पायु ही है, दीर्घायु है नहीं, ऊपर से जीवन इतना कठिन है, इतना व्यस्त बन चुका है कि व्यस्तता भरे जीवन में भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है, समय कैसे निकालेगा व्यक्ति? पूरे गृहस्थ जीवन में अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है, वो गृहस्थ में ऐसे फंसा पड़ा है कि अपने 8 घंटे 9 घंटे तो उसके अपनी नौकरी में है, फिर उसको घर का भी देखना, 8 घंटे सोने में चले जाते हैं, सोना ही पड़ता है, फिर बच्चों के लिए समय, बहुत व्यस्तता भरा जीवन है। लेकिन नाम ऐसा भगवान ने बताया कि जैसे नाम जो है ना, आप उसको कभी भी ले सकते हो, उठे बैठे बिना नहाए धोए भी। अच्छा, ये इतना सहज है। देखो, उठे, अब हम कोई आरती करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो नहाना पड़ता है, लेकिन बाहर ये महामंत्र जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसमें कोई विचार, आप उठे, आपने माला ली, एक माला कर ली, झाड़ू लगा रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र कर ली, चलते रहे, प्रसाद बना रहे हो भगवान के लिए, उस टाइम महामंत्र ले लिया। इस नाम का आप चाहे उल्टे
कैसे भी इसको जाप करो, इसका प्रभाव होना ही होना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी अपने पूर्वाश्रम में एक बहुत बड़े डाकू थे, बिल्कुल। जब नारद जी उनसे मिले तो कहते हैं कि उनके उन्होंने ऐसे ऐसे भयंकर कर्म किए थे कि जब नारद जी ने उनसे बोला कि आप राम शब्द बोलो तो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। अब सोचने की बात है, राम शब्द का उच्चारण कौन नहीं कर पाएगा, राम शब्द तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। तो नारद जी ने उनसे बोला तुम मरा मरा बोलो, तो मरा मरा बोल के ही उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई। अब मरा 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 बोल के राम आ गया, और अगले जन्म में वाल्मीकि जी बने। दूसरा दृष्टांत देते हैं, दूसरा दृष्टांत आता है अजामिल का। श्रीमद् भागवतम में हमने अजामिल की कथा सुनी होगी। वो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने में था तो सही, लेकिन वो कुसंगत में पड़ने के कारण उसने ऐसे कोई भी गलत कार्य नहीं थे जो उसने किए ना हो, सारे गलत कार्य कर अजामिल। लेकिन उसका एक पुत्र था नारायण, उसने अपने एक पुत्र का छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। जब वो मृत्युशैया में लेटा हुआ था, बिस्तर में पड़ा हुआ था, जब यमदूत उसको उसकी आत्मा को लेने आए, शरीर से निकालने आए, तब उसने अपने बेटे को याद किया और बोला नारायण नारायण। अब वो भगवान को याद थोड़ी कर रहा है, वो अपने बेटे को याद कर रहा है। उसी समय विष्णु दूत प्रकट हो गए वहां पर यमदूतों के सामने। यमदूतों से कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? यमदूतों ने कहा भैया हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, इसने तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, हम तो उसको ले जाने हैं। विष्णु दूत ने कहा शायद तुमको नियम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया भाई, इन्होंने अभी क्या नाम लिया? नारायण नाम लिया। तो यमदूतों ने कहा कि भैया नारायण तो इन्होंने भगवान को थोड़ी बुलाया, ये तो इन्होंने अपने बेटे को बुलाया। तो विष्णु दूतों ने कहा नारायण नाम किसका है, ये व्यक्ति का नाम थोड़ी है, ये तो भगवान का नाम। भले ही कैसे सांकेत्यम पारिहास्यम, संकेत पूर्वक हंसी मजाक में कह देते हैं ना हमसे, अरे भैया राधे राधे, ऐसे कह देते हैं, ऐसे हंस हंस के वृंदावन में तो सभी कहते हैं राधे राधे, हंसूर के कह देते हैं, और कोई कोई मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। वो नाम भी आपको प्रभावित करेगा, वो नाम भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य प्रभाव डालेगा। तो नाम का ऐसा प्रभाव, उठते बैठते खाते पीते आप कैसे भी नाम लें, वो नाम आपको प्रभाव देने ही वाला है, बिल्कुल। तो अगर कोई किसी के पास समय नहीं भी है तो गृहस्थ आश्रम में देखो इतने कार्य होते हैं, वो कहीं पर भी नाम ले सकता है। इसीलिए इस कलयुग में नाम को बहुत सहज बताया, सहज बताया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा यहीं पे अगर हम देखें, जैसे आप नाम लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समाज में देखें ना, जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो धर्म की ही लड़ाई है। हाँ। हर कोई अपने धर्म को जो है वो ऊपर बताने में लगा है, बिल्कुल ठीक है, चाहे हम किसी भी धर्म की यहाँ पे बात करें। नॉर्मली जो हमने पढ़ा हुआ है वो धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है। हाँ। तो थोड़ा सा बताना चाहोगे ये धर्मों के बीच में विवाद आखिर क्यों है, या धर्म क्या है? देखिए प्रभु सर जी का प्रश्न बहुत अच्छा है कि धर्म के बीच में ही आजकल सारे विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम क्या है, सभी लोग धर्म की गलत परिभाषा को समझ बैठे हैं। वो क्या समझ बैठे हैं कि जो ये शरीर का धर्म है वही वास्तविक हमारा धर्म है। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मैंने हिंदू धर्म मान लिया, कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ तो मुसलमान परिवार को अपना धर्म मान लिया। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए ये हमारा वास्तविक धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तो मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कर्मयोग के कर्म के हिसाब से अगर मुझे अगला जन्म मुसलमान जन्म उसमें मिल गया कुल में, तो मेरा तो धर्म बदल गया। तो फिर ये धर्म नित्य कहाँ रहा? हाँ, धर्म तो बदल गया ना, बिल्कुल। ये धर्म तो फिर अगर होता तो फिर मैं हमेशा हिंदू ही जन्मता या हमेशा मुसलमान ही परिवार में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो वास्तविकता में फिर देखा जाएगा कि फिर वास्तविकता में हमारा धर्म है क्या, जो नित्य धर्म है वो है क्या। तो यही शास्त्रों में बताया गया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो भगवान का दास है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो धर्म होता है वो वस्तु में हमेशा विराजमान रहता है। अच्छा, वस्तु में हमेशा विराजमान रहता है। जैसे अग्नि है तो उसमें उसकी दाहिका शक्ति हमेशा विराजमान है। जैसे जहर है उसमें मारने की शक्ति उसमें हमेशा विराजमान है। अगर उसकी मारने की शक्ति को या अग्नि की दाहिका शक्ति को उससे हटा दिया जाए तो वस्तु भी खत्म हो जाएगी, उसका परिचय खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारे अंदर दासत्व बहुत पहले से है। हाँ। हम दास हैं, लेकिन दास क्या हो चुका है हमारा, विकृत हो चुका है, वो ढक चुका है, हम माया के दास बन चुके हैं। दासत्व तो कहीं नहीं गया, भगवान दास। हाँ, हमारा दासत्व कहीं नहीं गया, क्योंकि धर्म जो है वो जो वस्तु का धर्म है वो नित्य विराजमान रहेगा। हाँ। लेकिन ढक जाएगा। कैसे ढक गया? हम दास तो हैं लेकिन भगवान के दास हैं, लेकिन ढकने के अनुसार हम माया के दास बन चुके हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है रामूलाल व्यक्ति है, अब वो रामूलाल एक रामूलाल है, लेकिन वो रामूलाल एक रामूलाल नहीं है, वो रामूलाल
पति रामूलाल है, वो रामूलाल पुत्र रामूलाल है, वो रामूलाल किसी का भाई, भाई रामूलाल है, मामा रामूलाल है, तो वो एक ही रामूलाल बहुत रामूलाल है, संबंध बहुत बढ़ गए। तो यही माया है, यही माया का प्रभाव है कि हमें क्या हो गया है कि हम दास तो बने पड़े हैं लेकिन इस माया के दास बन गए हैं। लेकिन अगर वास्तव में हम ये सब समझ जाएं कि हम भगवान के दास हैं तो वास्तव में फिर लड़ाई होगी कहाँ, विवाद होंगे कहाँ, क्योंकि हम सब समझेंगे कि हमारा तो नित्य स्वरूप भगवान का दास है। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म है तो शरीर का धर्म भाई, शरीर और शरीर नित्य है नहीं, शरीर तो एक दिन चला जाएगा। तो अगर हम समझेंगे कि हम वास्तविकता में भगवान के दास हैं तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बताया। अब जैसे यहाँ पे जो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि जो जैसे हम सनातन धर्म में आपका बात करते हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, शायद आप उसी नित्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो क्षण भंगुर है, शरीर तो हद, जैसे अगर हम बात करें हमारे उसमें 84 लाख योनियों के बाद जो है वो ये मानव शरीर मिलता है, उसके बाद ही जो हमारा मेन है वो भगवान के दास है, भगवान भक्ति पे जो वो है। ठीक है, इसमें कोई आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि पहले की लाइफ में और आज की जो आपकी लाइफ है या आपके जानने वालों में इस नाम जप का क्या प्रभाव पड़ा हुआ है? देखिए, नाम जप का ये बहुत प्रभाव है जीवन में। देखिए, हर चीज़ अनुभूति का खेल होती है, हर चीज़ अनुभूति की है। अब अगर मैं कोई चीज़ आपको अभी बता भी दूँ, एक्सपीरियंस बताऊँगा भी, लेकिन अगर व्यक्ति को पहले वो खुद अनुभव नहीं होगा तो व्यक्ति उस चीज़ को ना मिथ्या समझता है। ये बात सत्य है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने रसगुल्ला टेस्ट नहीं किया तो आप उसको कहोगे कि भैया रसगुल्ला मीठा होता है, ऐसा होता है, ऐसी तो बताओगे, लेकिन मीठा तो भैया जलेबी भी होती है। अच्छा। रसमलाई भी होती है, शिकंजी भी होती है, बहुत चीज़ें मीठे होती हैं, लेकिन रसगुल्ला अलग प्रकार का मीठा होता है। अब उसको आप किस प्रकार से बखान करोगे कि ये रसगुल्ला ऐसा मीठा है, वो उसको पहले रसगुल्ला खुद खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जो नाम जब है, मैं बता तो दूंगा, अनुभव बहुत है, बहुत हमारे आचार्यों के अनुभव हैं, लेकिन वास्तव में पहले आपको खुद अनुभूति होगी तो ये अनुभूति का विषय भाई। इस जगत में भी हम देखते हैं पहले कुछ चीज़ें अनुभव होती हैं, फिर उस प्रकार से हम उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। पहले हमको कोई उपदेश देता है, फिर उस उपदेशों को हम जब ग्रहण करते हैं, फिर ग्रहण करने के बाद जब अनुभूति होती है, फिर उस विषय को हम मानते हैं। यही तो इस संसार में भी होता है, वास्तविकता में भगवान के साथ भी ऐसा है, भगवान के नाम में भी ऐसी है। जब पहले आप नाम लोगे, कुछ कुछ अनुभव करोगे अपने जीवन में कि वास्तव में यार ये नाम का प्रभाव तो हो रहा है, मेरे जीवन में जो जो चीज़ें थी गलत चीज़ें, व्यसक हम बन गए थे, स्ट्रेस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत चीज़ें ऐसी हो गई थी जिस चीज़ों का मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब ये देख रहा हूँ ये चीज़ें तो स्वाभाविक रूप से कम होती जा रही हैं और दूर होते जा रही हैं। ये होने को ये नाम का गौड़ लक्षण है। हर चीज़ के दो लक्षण होते हैं, गौड़ लक्षण और मुख्य लक्षण। लेकिन नाम का अगर आपको गौड़ लक्षण भी दिखने लग गया ना, गौड़ प्रभाव भी दिखने लग गया, तो आप उस चीज़ को मानने लगोगे। गौड़ प्रभाव मतलब हल्का, हल्का मतलब कम, मतलब लेस। अच्छा, हाँ लेस, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले आप नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र हमने जो बताया, फिर अनुभव आप अपना साझा, आपको खुद ही अनुभव होगा। हाँ। इस चीज़ का आपको खुद ही अनुभव होगा। हाँ, खुद अनुभव करेंगे तो फिर आप खुद ही अनुभव अपना साझा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा एक बार और हमारे साथियों को बता सकते हैं ये मंत्र आपका है क्या? हाँ, ये जैसे मंत्र हमने बताया कलयुग का महामंत्र है, इसको हम बोल सकते हैं जैसे कि बहुत प्रचलित मंत्र है। इस मंत्र से आपको अनेक प्रकार के जो आपके जीवन में व्याधियां हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि हर चीज़ के दो लक्षण होते हैं, मुख्य लक्षण और गौड़ लक्षण। अब गौड़ लक्षण क्या होते हैं कि हम इस जगत में बहुत चीज़ें हमारी कामनाएं रहती हैं, कामनाएं रहती ठीक है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, स्वस्थ रहे, तो ये तो इस मंत्र के भैया गौड़ लक्षण है। अष्ट सिद्धि तो कहते हैं कि इस मंत्र को जप कर आपके चरणों में स्थान करती है, अष्ट सिद्धियाँ तो आपको ऐसी हासिल हो जाएंगी, लेकिन ये गौड़ लक्षण है। वास्तव में देखा जाए इसका जो मुख्य लक्षण है वो है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, कि भगवान के साथ हमारा सेवा संबंध हो जाए, भगवान के साथ हम सेवा में जुड़ जाए, ये इसका मुख्य लक्षण। लेकिन ये जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे हमको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन वास्तविकता में पहले पहले क्या होता है ना, गौड़ लक्षण जब पूरे होने लगते हैं तभी व्यक्ति को थोड़ा विश्वास होने लगता है। तो ये मंत्र जो है, ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ये मंत्र। बहुत बढ़िया विजय जी, यहाँ पे आपने बताया। और लास्ट में एक क्वेश्चन, जैसे आपका नाम भी विजय है और हम बचपन में भी जो है वो कहानी पढ़ते थे, एक कविता जो थी कि सबसे पहले हम अपने मन को विजय करें। हाँ, ठीक है, तो हम अपने मन पे कैसे विजय प्राप्त करें कि ठीक है ये मोह माया में भी हमको रहना है, हमको अपने गृहस्थ जीवन में भी रहना है, लेकिन उसमें भी हमको बीच में जो है भगवान का नाम लेना है। जैसे आपने बताया कि एक
जैसे रामूलाल का आपने एग्जांपल दिया, उसको सारे संबंधों को भी जो है वो आपका संतुलन में रखना है और भगवान प्राप्ति में जो है खुद के लिए भी जो है समय निकालना है। तो अपने मन पे विजय कैसे प्राप्त करें? देखिए, मन हमारी इंद्रियों का राजा कहा जाता है। मन ही सब चीज़ों का वास्तविकता में भोग करता है। मैं आपको वास्तविकता में बताऊँ, जो आँखें हैं ये आँखें भोग नहीं कर रही हैं। आँखों को अगर सुंदर देखने के लिए सुंदर देखना वो चाह रही हैं तो वास्तविकता में वो भोग आँखें नहीं कर रही, वो मन उनको प्रेरित कर रहा है कि मन को अच्छा देखना है, तो वो आँखें तो एक माध्यम बनी पड़ी है, लेकिन वास्तविकता में जो भोग कर रहा है वो मन ही है। लेकिन मन इतनी इंद्रियों के द्वारा भोग करता है, आँखों के द्वारा अच्छे दृश्यों को, जिह्वा के द्वारा अच्छे खाने को, कानों के द्वारा अपनी प्रशंसा को। तो ये मन क्या है? इंद्रियों का राजा, मन राजा है। तो मन को नियंत्रण कैसे करें? जैसे बोला, अब मन को नियंत्रण करना तो ये तो बहुत टफ है। गीता में बताया, हाँ। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ये हवा को कंट्रोल करना तो एक बार के लिए आसान है, हवा को कंट्रोल कर सकता है व्यक्ति, लेकिन मन को कंट्रोल कैसे करेगा? तब भगवान ने उत्तर दिया, वैराग्य से। आपको वैराग्य लेना पड़ेगा भाई। वैराग्य कैसे? जैसे आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ के प्रति आपको ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये चीज़ सेंटर में भगवान को रख के कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। गृहस्थ आश्रम भी अगर आपने किया है, देखो उस संसार में कोई भी संबंध नित्य तो है नहीं। हाँ। कोई भी संबंध आप देख लो, ये क्षण भंगुर है, शरीर है तो शरीर से ही संबंध जुड़े पड़े हैं, शरीर गया तो संबंध भी चले जाएंगे, जितनी आपने उपाधियाँ जोड़ी हैं सब चली जाएंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप कर्म कर रहे हो गृहस्थ आश्रम में, जो भी कर्म कर रहे हो, पत्नी के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, केंद्र उसमें भगवान को रखो कि ये आपके ही तो दास हैं, जैसे कि हमने बताया आपके ही तो दास हैं, तो मैं इनकी सेवा करके इनकी भी सेवा कर रहा हूँ और इनको भी सेवा में आपकी लगा रहा हूँ, तो इनको भी सेवा में लगा रहा हूँ, ऐसे करके आपके आपका मन फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? शांत होने लगेगा, क्योंकि सेंटर में आप भगवान को रखोगे। जितने भी आपके कर्म हैं, जैसे हमने बताया ना गीता में कर्म योग, कि अपने कर्मों को योग मतलब जोड़ दो भगवान के साथ अपने। अब जैसे आप कुछ खा रहे हो, आप खा रहे हो तो भगवान को अर्पण करके खाओ भाई, उसमें तुलसी दल दो, भगवान को अर्पण कर लो। कुछ भी घर में चीज़ें नहीं ला रहे हो तो भगवान को अर्पण कर लो कि भगवान ये मेरे, मैं तो इसका कुछ उत्तराधिकारी था नहीं, है तो सर्व जगत में आपकी चीज़ें, तो ये आपको अर्पण करके फिर हम ग्रहण कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके जब आप अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण करते हो तब आपका मन फिर शांत होता है, शीतल होता है। चलिए, बहुत अच्छा यहाँ पे विजय जी आपने बताया। हम चाहेंगे कि आप आगे भी जो है ऐसे ही आते रहें। इस वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।